वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबुका किचन। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का हांडी। ये बहुत ही अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको चिकन टिक्का हांडी की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चिकन टिक्का हांडी बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करते हैं। एक बाउल में आधा किलो बोनलेस चिकन, स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी, एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। चिकन को आधा घंटा मैरिनेट करने के बाद इसे फ्राई करेंगे। एक फ्राई पैन में एक बड़ा चम्मच ऑयल लेकर मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। चिकन का कलर चेंज हो जाने तक इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर 3 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद चिकन का कलर चेंज हो गया है, इसे साइड पर करते हैं। अब ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 से 3 हरी इलायची, 2 से 3 लविंग और 2 छोटे टुकड़े तज को हाफ क्रश करके ऐड करेंगे। 3 से 4 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए खुशबू आने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज की बारीक पीसी हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज को मीडियम फ्लेम पर लाइट पिंक होने तक फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने के बाद प्याज लाइट पिंक हो गई है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1 बड़ा चम्मच हाफ क्रश किया हुआ लहसुन और 1 बड़ा चम्मच हाफ क्रश किया हुआ अदरक ऐड करेंगे। प्याज और अदरक लहसुन को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे। प्याज और अदरक लहसुन को मीडियम फ्लेम पर भून लेने के बाद 1 बड़ा चम्मच चने का आटा ऐड करेंगे। चने का आटा ऐड करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए भुनेंगे। अच्छी तरह से भून लेने के बाद बाकी के मसाले ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 2 बड़े चम्मच जितना पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे हाई फ्लेम पर ड्राई होने तक भूनेंगे। मसाला अच्छी तरह से भून लिया है और ये ड्राई भी हो गया है। अब हम इसमें 1/2 कप टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे। टमाटर प्यूरी ऐड करने के बाद इसे फिर से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। टमाटर प्यूरी को अच्छी तरह से भून लेने के बाद फ्राई किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। चिकन को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे।
पानी ऐड करने के बाद इसे ढककर लो फ्लेम पर चिकन कुक होने तक पकाएंगे। चिकन अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब इसमें 3 से 4 हरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी पाउडर और 5 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। चिकन टिक्का हांडी रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको चिकन टिक्का हांडी की रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।